हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैंने किया है शाम से स्टार्टिंग, और आज ना आप लोगों को कुछ दिखाएंगे, तो बने रहिए आप लोग हमारे पूरे ब्लॉग में एंड तक। तो चलती हूँ अपनी पीछे छत पर, और बहुत तेज़ वाली गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो चलिए आप पीछे छत पर आपको ले चलती हूँ। तो गाइस ना आप लोगों को अपनी सासू माँ की कलाकारी दिखाएंगे, और भाई इंजीनियर फेल है, इतनी बेस्ट और बढ़िया बनाई है। तो देर ना करते हुए चलते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हम आ चुके हैं अपने पीछे छत पर, और गाइस ये देखिए हमारी सासू माँ ने इतनी बढ़िया चूल्ही बनाई है, भाई इंजीनियर फेल है, बहुत ही अच्छी बनाई है सच में, क्या बताऊँ आप लोगों को। देखिए कितनी बेस्ट और बढ़िया है, और यहाँ पे बनाई है भरोसी, यानी कि दूध गरम करने वाली है गाइस, इसमें ना दूध गरम किया जाता है, इसी तरीके से बनाई जाएगी सेम। तो मैं ना अब छत पर झाड़ू लगाएंगे अपनी छत पर, क्योंकि कूड़ा भी बहुत हो गया है, और अभी अभी मैं गमलों में ना पानी डाल के गई है, तो थोड़ी सी झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, और इनमें पानी भी भर दिया है मैंने चिड़ियों के लिए। फिर चलेंगे किचन में, कुछ बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैंने झाड़ू लगा दी अपनी पूरी छत पर, और इतनी तेज़ वाली गर्मी है कि मधुमक्खी देखिए गाइस कितनी सारी निकल आई है, बहुत ही ज़्यादा मधुमक्खी है यहाँ पर, बहुत सारी यहाँ पर पड़ी हुई थी। तो मैंने ना झाड़ू से झाड़ दिया है, इसी से पानी निकल रहा है। तो मैं आज की हूँ अपनी किचन में, ऊपर के जितने भी काम थे मैं सारे निपटा के नीचे आ गई हूँ किचन में। तो बनाएंगे कुछ खाने के लिए, और आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, कितनी भीषण गर्मी है, पहली बार ऐसी मैंने देखा है अपने घर में। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को छत पर दिखाया था मधुमक्खी कितनी ज़्यादा निकल आई थी, और ये देखिए हमारे फर्श पे हॉल में ये जाल के द्वारा आती हैं पानी पीने के लिए, और ये पता नहीं क्यों ये इतनी सारी मक्खी यहाँ पे मर गई हैं गाइस, बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, ये देखिए ये सब गर्मी की वजह से, धूप की वजह से मर गई हैं ये सारी मक्खी। आज मैंने पहली बार देखी है इतनी मक्खियाँ हमारे यहाँ पे मर चुकी हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। और ये हमारे वहाँ पर ना वो एक छोटा सा मोखला है, उसी में बैठी हैं, तो ये जाल के द्वारा आती हैं, और ये देखिए पानी पीने के लिए। तो चलिए मैं बनाती हूँ कुछ ठंडा पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे मैंने आम छील के रख लिए हैं, और ना अब इनके पीस बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। तो इधर देखिए गाइस मैंगो शेक बन के रेडी हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक सा है। तो यहाँ पे देखिए गाइस मैंगो शेक बन के रेडी है। तो मैंगो शेक सभी लोग पी चुके हैं, बहुत ही अच्छा लगा सच में, और ना थोड़ी गर्मी लग रही थी तो थोड़ी अच्छा फील हो रहा है। तो अब ना हम कहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की है दावत आज, तो हम फटाक से तैयार होते हैं, बच्चों को भी तैयार करते हैं, क्योंकि थोड़े सा काम है, मैं जल्दी जल्दी निपटा के फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलेंगे। तो जे वही इनसे हम मिलवाना चाहते थे आप लोगों को, और हाय करो, नमस्ते। तो भैया आप लोगों को इंतज़ार है तो काफ़ी दिनों से कि इनसे मिलवाएंगे हम। जे निशा हमारी नंद, और जे छोटी नंद है, जे भाभी है, जे मौसी है,
और ये मम्मी है। तो गाइस हम आ चुके हैं घर पे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी सभी को, राधे राधे हमारी तरफ से।